हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले नेचुरल गैस के फ्यूचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट एनालिसिस लग रहा है। और इस वीक के दौरान आई एम एंटिसिपेटिंग कि एक अच्छा खासा जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल सकता है। सो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप हमारी वीडियो रेगुलर बेसिस पर देखते होंगे तो ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पर हमने जो है पहले से बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो है इस वीक के दौरान जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर हमें इस प्राइस बैंड के नीचे जो है होते हुए देखने को मिली है, जो कि मेरे आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव सेंटीमेंट जो है दर्शाता है। अगर यहाँ पर हमें इस वीक के दौरान भी अगर यहाँ पर जो ओपनिंग है नॉर्मल अगर देखने को मिलती है, बड़ा गैप अप या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग को इग्नोर करके अगर होती है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क अगर आप यहाँ पर ले सकते हो तो यहाँ पर 178 के नीचे जाते ही एक अच्छी खासी जो शॉर्ट पोजीशन है वो यहाँ पर जो है बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए जिसका रिस्क एपेटाइट कम है उनके लिए 3-4 पॉइंट तो है वो यहाँ पर हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एंड सम ऑफ द सपोर्ट लेवल दैट कैन एक्ट यहाँ पर जो है 168-161 के अराउंड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो डाउन साइड के मोमेंटम्स है उसके चांसेस जो है फॉर अ टाइमिंग ज़्यादा लग रहे हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें जो है किस तरह प्राइस मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर मंडे सेशन को भी यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है तेज़ी अगर आना स्टार्ट होती है सो फॉर अ टाइमिंग यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए कि मंडे सेशन किस तरह देखने को मिलता है। अदरवाइज फॉर अ टाइमिंग 178 के नीचे जाते ही हम जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन जो है कंसिडर कर सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और वीकली ओवरव्यू को जानने के लिए मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।